ये इनोवा क्रिस्टा का अगर ये मीटर ख़राब है, मीटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम ये लॉन्च का स्कैनर है इसके, इससे भी हम चेक कर सकते हैं कि मीटर मेरा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए मेरा, ये देखिए यहाँ दिखा रहा है स्पीड मीटर, स्पीड मीटर ये है। तो देखिए मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो मेरा मीटर चलेगा। स्पीड मीटर मेरा चलेगा, इसमें जाएंगे ऑप्शन में, क्लिक करते हैं, ये ऑप्शन आ रहा है, ओके करेंगे। मोनिटर डाटा, नो मोनिटर डाटा, इसमें जाएंगे। अब देखिए अपने को ये कितना स्पीड में चाहिए, 40 का चाहिए, 60 का चाहिए, 80 का चाहिए, तो अपन 40 दबाएंगे, यह मीटर मेरा 40 दिखाएगा। देखते हैं, देखिए यहाँ 40 करते हैं क्लिक, और देखिए मेरा मीटर 40 पर चला गया। अभी मैं 80 करता हूँ तो मेरा मीटर 80 पर जाएगा, ये देखिए 80 पर गया। तो मैं स्कैनर से ही टेस्ट कर सकता है कि मेरा मीटर काम कर रहा है या ख़राब है। बैक जाएंगे यहाँ से, तो मेरा मीटर पहले था वहाँ आ गया। अब देखिए फ्यूल मीटर यहाँ पर दिखा रहा है, फ्यूल मीटर मेरा, फ्यूल मीटर यहाँ है, अभी कितना है, फ्यूल मीटर यहाँ है, तो मेरा फ्यूल मीटर ख़राब है, बराबर काम कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करेंगे, फ्यूल मीटर पर क्लिक किया, ये ऑप्शन बता रहा है, ओके करेंगे, इस पर जाएंगे, ये देखिए जैसे यहाँ पर करेंगे मेरा मीटर बढ़ेगा, ये देखिए कम हुआ, यहाँ पर करेंगे बढ़ जाएगा। देख रहे, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और मेरा मीटर कैसा जा रहा है देखेंगे, देख रहे फूल गया। तो मैं यहाँ से भी चेक कर सकता है मेरा मीटर काम कर रहा है या नहीं। यहाँ भी कर सकते हैं, ऑफ करेंगे तो देखिए अपने जगह पर वो आ गया। बैक जाते हैं, देखिए टचोमीटर है, टचोमीटर बोलो तो ये आरपीएम मीटर, इसको भी देख सकते हैं, क्लिक करेंगे, ओके पर जाएंगे, इस पर जाएंगे। अब देखिए मीटर कैसा भागेगा देखेंगे, 1000, 2000, 3000, कितना आरपीएम पर करने अपने को, मैं 2000 पर करता हूँ, देखिए मेरा ये आरपीएम यहाँ पर चला जाएगा। देखिए मैं 2000 पर कर रहा हूँ, ये देखिए 2000 पर गया, जैसे मैं 3 पर करूँगा, अभी मैं 4 पर कर रहा हूँ, तो देखिए मेरा आरपीएम पे यहाँ पर आ जाएगा, 4000 पर आ जाएगा, ये देखिए 4000 पर आ गया। अभी मैं 5 पर करूँगा यहाँ से, तो 5000 पर आ जाएगा, ये देखिए 5000 पर आ गया। यहाँ पर 0 करूँगा तो 0 पर आ जाएगा, देखिए यहाँ से मैं 0 कर रहा हूँ, देखिए कैसे 0 पर आएगा, देखिए 0 पर आ गया। तो अपन यहाँ से भी चेक कर सकते हैं मेरा मीटर काम कर रहा है, तो स्कैनर से चेक करने के बाद ही मीटर को रिपेयर करने को भेजें अगर मीटर का डाउट लगे तो। आपको सीट बेल्ट का लाइट सब चेक कर सकते हैं, इंडिकेटर लाइट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन सा लाइट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो सभी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, कौन सा लाइट का यहाँ पे इंडिकेटर आ रहा है, वायरिंग का प्रॉब्लम है या इंडिकेटर का प्रॉब्लम है या फिर मीटर में ही प्रॉब्लम है, सब यहाँ से हम स्कैनर के द्वारा चेक कर सकते हैं। अभी देख लीजिए एक सिग्नल का बता देता हूँ आपको, टर्न सिग्नल लैप का, तो मैं टर्न सिग्नल का चालू करूँगा तो मेरा लैप का सिग्नल चालू हो जाएगा, ओके करता हूँ, इसमें जाता हूँ, ऑन करता हूँ, देखिए जैसे ऑन करूँगा ये देखिए मेरा सिग्नल चालू हो गया लैप का।
मैं यहाँ से कुछ भी नहीं किया, मैं यहाँ से ही किया, ऑफ करूँगा ऑफ हो जाएगा। ये देखिए ऑफ हो गया। स्कैनर से ही हम चेक कर सकते हैं मेरा मीटर का प्रॉब्लम है, वायरिंग का प्रॉब्लम है। सारा चीज़ इसमें हम चेक कर सकते हैं। और इसको चेक करने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ गए, एक्चुएशन टेस्ट में जाना पड़ता है। एक्चुएशन टेस्ट में जाएंगे तो आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे। और उससे पहले कहाँ जाना पड़ेगा आपको, कॉम्बिनेशन मीटर में जाना पड़ेगा। इस ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ये सब मिल जाएगा। उससे बैक में जाएंगे तो किस में मिलेगा, बॉडी में। बॉडी में जाने के बाद कॉम्बिनेशन में जाएंगे। ये बॉडी कहाँ मिलेगा आपको, सिस्टम सिलेक्शन में जाने के बाद मिलेगा। तो यह है इनोवा गाड़ी क्रिस्टा, लेटेस्ट गाड़ी 2015 की है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। क्या हुआ, ये है मेरे पास लॉन्च का एक्सप्लेनर, जिससे मैं आपको सिस्टम बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।